बरसात का सखर जे रोड रस्ता मुकम्मल तौर से तबाह हाली के वर चढ़ हालांकि सखर जे चूंडियल नुमाइंदा उन पारा ये दवाओं कई व्यन सखर जे रोड रस्ता मयारी ठयान जो तो सिंध के वे वजीर सखर के चूंडियल नुमाइंदन का और पान ये सवाल क्या रात की पेट में कारपेटेड रोड ठाया पा वन पर उन पारा उ रोड मयारी करार न एक ट्रक है जो रोड से बिहारे वो जो जमीन के अंदर दबजी वो है जमीन के हेठ लही वो है जिनके नतीजे में वो कार के मथा कल्टी थी पो मौजानी गाल है तो माना उत कार में को मू मौजूद को तो जानी नुकसान ना थो रोड है जिनके मथा जैसे गाड़ी बीहे थी पी वो जमीन हेठ लही थी वे उन रोड के किए पास किया है इतना जहाँ शहरी मौजूद हैं उन्हें गाल बोल कहीं तो इतना जहाँ जो रोड रस्ता उन सूरत हाल कि हे अज जो हादसा पेश आया वह कि पेश आया नवाकोट की तो बात ही नहीं करें, पता नहीं इधर से नवाकोट वाले लोगों से दुश्मनी है पॉलिटिकेशन पार्टियों की। यहाँ तो किसी किस्म की सहूलत है ही नहीं, रोडों की इस तरह की कंडीशन है कि ऐसा समझें पहले हम छोटे होते बचपन में देखते थे रेती बिछती थी, क्रेश आता था, दो दिन उस पर बिल्डोज़र घूमता था, फिर कारपेट बिछता था। अब क्या करते हैं कि खड्डे भी बंद नहीं करते, रातों रात कारपेट बिछाया और दो दिन के बाद देखें रोड फिर टूटा हुआ है उसी जगह से ही ना। अभी आप देख सकते हैं ये बकरा पीढ़ी पर आज सुबह का ही वाकया है कि वो एक बड़ा ट्रैक्टर जा रहा था ट्राली हेल्सैंड की, वो रोड में ही उसके टायर ही अंदर चले गए ना, वो कल्टी हो गई, आज सुबह हैवी मशीनरी उसे निकाल रही थी। तो ये कंडीशन है, इतना सखर को तबाह किया हुआ है कि सखर के अंदर किसी किस्म की सहूलत आजकल नज़र ही नहीं आ रही। सेवरेज का पानी बरसातें 3 महीने पहले भी थी, आज तक खड़ा हुआ है, पानी कम ख़त्म नहीं हो सका और कारोबार को इतना नुकसान हुआ है, सब दुकानदार बेचारे परेशान हैं, हम लोग भी दूसरे लोग भी, जो कारोबार 100% पर था 40% पर आ चुका है सब लोगों का। यहाँ रात को पानी निकलता है, सुबह चला जाता है, पानी भी ऐसा निकलता है कि यहाँ लेडीज़ को चलना फिरना दुश्वार है। यहाँ नमाजी भी गुजरते हैं, उल्मा किराम भी गुजरते हैं, यहाँ हमारे मदरसा हैं हरी मस्जिद है, यहाँ बच्चियाँ लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, मसरूआत को बड़ी तकलीफ़ है, रक्शे वालों को यहाँ, गधेगाड़े वालों को, ट्रैफिक को, माना सबको तकलीफ़ है यहाँ पे। यहाँ गवर्नमेंट के कोई नुमाइंदे यहाँ तवज्जो नहीं दे रहे इस चीज़ पर। खुर्शी शाह साहब खुद आए थे यहाँ पर, खुर्शी शाह साहब खुद आए थे, उन्होंने काम किया, वो 15 दिन के अंदर इनको विज़िट किया जाए, ये काम मुकम्मल किया जाए, उन्होंने किया, लेकिन फिर भी आगे से उन्होंने दब मिली तो उन्होंने जो ठेकेदार थे यहाँ उन्होंने काम नहीं किया मुकम्मल। आज ये तीसरा इस रोड के ऊपर तीसरा हमारा सक्कर के अंदर तीसरा वाक्य हो गया है कि मलेटी रोड के ऊपर भी एक हादसा हुआ है। नवागोड का आप रोड का आप खुद विजिट कर लें कि गंदा पानी खड़ा हुआ है, आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, मदारिस के लोग जो है मदरसा जा रहे हैं। पटिशन भी की है जी, हमने पटिशन भी दायर करी है, लेकिन उस पर भी कोई रद्दअमल नहीं हुआ। हम भी ये तकरीबन पटिशन अपना म्यूनसिपल कमीशन साहब जो है रोज़ विजिट कर रहे हैं यहाँ पे आके, अपने लोगों को सफाई के हवाले से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खुर्शी शाह साहब भी आए, नाज़ शाह साहब के लड़के यहाँ पे रोज़ आते हैं, वो भी यहाँ से गुजरे हैं, उन्होंने भी विजिट किया है। नुमान शेख साहब हैं, फारूक शेख साहब हैं, उन्होंने भी विजिट किया है। हमें यही दिलासा दिया जा रहा है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बरसातों से मसला हुआ है, गटर लाइनें चौक हो गई हैं, सियासी लोग आते हैं, शाही खुर्शी शाह आए थे, इस्लाम शेख आए थे, ये अपना जतोई साहब आए थे, इन्होंने कहा कि भाई 15 दिन में ठीक कर। साईं खुर्शी शाह ने बड़ा अच्छा इकदाम किया, उन्होंने कहा कि साईं 15 दिन के अंदर मुझे रोड क्लियर चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं हुई। हालांकि पिछले दिनों में हमारी एक हमला औरत थी, वो गटर के अंदर गिर गई, साईं गटर के अंदर गिर गई, वो 7 दिन के अंदर अंदर फौत हो गई, बच्चा भी फौत हो गया, वो खुद भी फौत हो गई। मतलब कहने का ये यहाँ कोई सूरत हाल नहीं है। पिछले मलेटी रोड पर अभी वाकया हुआ है, आए दिन रोज बच्चियों के लिए, सुबह स्कूल के लिए, स्कूल के टाइम पे इतना बड़ा मसला होता है कि आप पूछें मत। इन्होंने बुरी हालत कर दी है नवागोट की, जानबूझ के कर रही हैं लोग, सियासी लोग सियासत की लड़ाई में ये गरीब आवाम को धकेल रहे हैं।
इनका कोई खुदा इनको पूछे, इनका बेड़ा गर्क हो। ये मस्जिद है, नमाजी भी परेशान है, मस्जिद की बच्चे बच्चे परेशान है, स्कूल की बच्चे बच्चे परेशान है, मतलब बड़ा बुरा हाल लगा हुआ है। ये असल में तो था किसी टाइम पे एमकेएम का गढ़, उसके बाद पीपल्स पार्टी का गढ़ बन गया, अब ये हो गया पीटीआई का गढ़ समझ लो। पीटीआई का चेयरमैन भी है, काउंसलर भी है, अब ये सियासत की नज़र हो गया, इस पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कारपेट ऐसे ही बिछा देते हैं, ऊपर ऊपर का काम कर देते हैं, नीचे काम खराब होता है, और ये पानी आता है, पानी से रोड खराब हो जाता है, इस वजह से हमारे टायर वगैरह भी खराब होते हैं, पैसेंजर को भी तकलीफ है, बच्चे भी गिर जाते हैं, खड्डे इतने हैं इसमें, इस वजह से जो है ना बहुत परेशानी हो रही है। ये पानी का निकाल इस अगर सही हो जाए ना तो रोड सही बन जाएगा हमारा। बाबा वो बहुत प्यारा होता था और चौड़ा भी होता था, अब तो गलियां दुकानें वकानें बना दी, गली में गाड़ियां जाती थी, इस गली में बड़ी है? बड़ी सड़कें थी, बड़ी सड़कें जाती थी, अब तो ये रोड खराब है, उसके हवाले क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गंदा हो गया रोड, बिल्कुल गंदा है, कोई आने का ना जाने का, ना सवारी बिठा के लेके आते गंडागर से यहाँ तक, ना लेके जाते हैं। घर का बैराज रोड है और तकरीबन 10 साल का अरसा हो गया है, इसको बना दिया गया है लेकिन इस पर डांबर नहीं डाला गया, जिसकी वजह से बारिश हो जाती है तो यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेडीज़ का, बच्चों का, बूढ़ों का, मस्जिद में आने जाने का सिलसिला जो है वो कायम नहीं रह सकता कंटिन्यूटी। और बिलखसूस जब हमारे इस्लामी त्यौहार होते हैं जैसे मुहर्रम हो गया, रमज़ान शरीफ हो गई, 12 रबी अव्वल हो गया, तो इन रोडों के करीब करीब जो गटर हैं उनको दानिस्ता जमादार हजरात यहाँ के बंद कर देते हैं, ना जाने की वजह क्या है। उसकी वजह से जब पानी रोड पे आता है तो फिर इस रोड को देखना तो दरकिनार, यहाँ से गुजरना मुश्किल तरीन हो जाता है। सखर के दीगर रोडों की सूरत हाल भी यही है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते जा रहे हैं। जिस जगह रोड ख़राब है, अब पता मालूम है कि मिलिट्री रोड पर ट्रक जो है वो ज़मीन के अंदर धंस गया है। क्यों? वो रोड सही नहीं बनाया उन्होंने, खस्ता मटेरियल लगाया है, पूरा ट्रक ज़मीन के अंदर धंसना, ये तो क्यामत खैर मंजर है। इतना पैसा कमा के हम कहाँ कब्र में लेके जाएंगे? इसी दुनिया का पैसा है, इसी दुनिया में खर्च को, आखिरी की दौलत जो है वो आपकी इबादत है, नमाज है, ज़कात है, खैरात है, इन पर तवज्जो दें, ये यहाँ की दौलत है यहीं खर्च कर दो। बजट रोडों का आ रहा है तो सामुद्दीन शेख साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, तो उनको चाहिए कि रोडों की जल्द अज़ल्द मरम्मत कराएं ताकि उनको लोगों की दुआएं मिलें, और उनको उनका गुजर भी यहीं से होता है, सामुद्दीन शेख का, नुमान शेख का, सलान का, खुर्शीद शाह का, क्या उनको ये रोड नज़र नहीं आते? उनकी गाड़ियों में जंप नहीं आते क्या? वो कहीं अगर वो भुट्टो साहब का ख्याल था कि पाकिस्तान को हम पेरस बनाएंगे तो वो सखर को पेरस नहीं बना सकते, तो रोडों को पेरस बना दें कम से कम। अचन था विजिट कराए, पांजो नालो करे था वजन कम थे था, पो असांके कुछ फायदो हासिल थे ना, ने रोड खराब बन कारोबार भी तबान जहर जी गाला, जड़ी ट्रैफिक ना होंदो रोड खराब हुंदा, सेवरेज जो पानी बब टे टे फुट बिठो हुंदो पो उतो कारोबार किए हलदा। महंगाई भी आ, जमानो एड़ो लगो पियो आ महंगो, तो घर हलाइण दुखियो थी वियो आ इन टाइम। छा थियो तो रोडन जी तबाही जे हवाले सां सिंध हुकूमत खे? सिंध हुकूमत के बस शर्म अचन खपे, असांखे बहरहाल उमीद न त इहा रोड ठहंदा, सिधी ॻाल्हि आहे। हमारा वोट देना भी बेकार है, उन लोगों के लिए नारेबाजी करना भी बेकार है। अब ये रोड की कंडीशन आप देखें, आप आएँ आगे जाएँ वीडियो बनाते जाएँ, अभी तक पानी खड़ा हुआ है, और
रोडों की इतनी बुरी हालत है, बिल्कुल नाकिस में आ रहा है। तकरीबन 8 सालन का इन रोड की हालत आ आए डी इतने ढिस तो पानी बीठो हों, गटर बंद थी वेंदा आहिनि, को माना सफाई जो निज़ाम ना है। नालियों ॾिसो त मथे ताई भरियल आहिनि, कोई सफाई, अगर कॾहिं को सफाई थिए थी त उहो कचरो खणण वारो ना आहे। हाणे विच शहर जो हिसो आहे जिते ॾिसो था कचरे जा ढेर तव्हांखे नज़र ईंदा, ऐं कोई खणण वारो न आहे, कोई माना ॾिसण वारो न आहे। आए ॾींहुं पाणी त आए ॾींहुं माना हफ़्ते ॿिनि हफ़्तनि में माना पाणी बीठो हूंदो आहे, उहो वरी महीननि ताईं बीठो रहंदो आहे, कोई सफ़ाई न थींदी आहे। रोड जी हालति तव्हां पाण ॾिसो था त हे 8 सालनि खां इहा रोड आहे। हिन खां जेका पुराणा रोड हुया उहो अञा ताईं हलनि था पिया, हे नओं रोड ठहियो हुन खां पोइ हालति ॾिसो छा थी वई आहे हिन जी। उहो मटीरियल उहे माना उन तरीक़े सां रोड ठहनि ई कोन था जो उन्हनि जी को माना देरि ताईं हलनि। पोइ इहा तव्हांजे साम्हूं हालति जेका बि आहे। मटीरियल सां आहे नाके ते जेको आहे मटीरियल सां रोड ठहियल आहिनि। हाणे हाणे ताज़ो अञा बरसातुनि में हिननि जेको आहे कॉन्ट्रेक्ट खयां आहिनि ऐं किरोड़े रुपयनि जी हिननि जेका बजट वरिती आहे। उन जे नतीजे में ॾिनो छा अथऊं असांखे ॾिनो, इहो ई अथऊं जेको अॼु नुक़सानु तव्हां ॾिसो था पिया। हे त शुक्रु आहे हिन गाॾीअ में का फैमिली न हुई, हिन त बिज़ी रोड आहे, हिते फैमिलियूं ईंदियूं वेंदियूं आहिनि। ऐं हे लोडर गाॾियूं इन टाइम ते कीअं हिते अचंदियूं, ॿ टे रुपया मां कोन थो सम्झां त केरु थो वठे पियो। बहरहाल इहे गाॾियूं हिन शहर जे अंदरि इन टाइम में जेको हुननि जो टाइम ई न आहे त इहे अचनि कीअं थियूं पयूं। इहो जवाबु तव्हांखे जेको आहे वधीक बहितर इंतिज़ामिया ॾेई थी सघे। सियासी नुमाइंदनि खां इहो सुवाल आहे त तव्हां किथे आहियो? सखर शहर सखर सिटीअ खे बेयारो मददगार छो छॾियो वियो आहे? अॼु सुबुह सां हिकिड़ो ॿियो वाक़ियो थियो आहे वालिस रोड ते या किथे रेस्कोर्स रोड ते, उहा बि ट्राली ईअं ई, हीअ बि जेका ट्रक जेका ज़मीन जे अंदरि धसिजी वई आहे। छा अहिड़ा रोड असांखे हिन सखर जे शहर में मिलणु असांजी ज़रूरत? त ऐं इन खां अलावा खीर जा बि मसाला हलनि था पिया। इहो जेको आहे पंहिंजो साईं वारा त चवंदा सखर खे पेरिस करायो आहे असां। बिल्कुलु साईं पेरिस, इहो ॾिसो था पिया जीअं वसाण साहिबु चयो त मूंखे त लॻे थो पियो जेको अलाए कहिड़ो ॿाहिरि मुल्क ॿुधाए पियो त हुन वांगुरु ॿुॾनि त ॿेड़ियुनि में हलनि था पिया। हिते बि इहा पेरिस ई आहे त खॾनि में गाॾियूं किरियूं पयूं आहिनि, इहा ई पेरिस आहे असांजे लाइ। असां वाक़ई असां लाइक़ु बि हिन जे ई आहियूं त असांखे अहिड़ी पेरिस हुजणु घुरिजे। अॻियो पेश आयो आहे पोइ न कयोसीं आसिरो ई न कयईं, ईअं रोड रोड जहिड़ो लॻो पियो, कुझु ई न, 5 मिंट ई न गुज़रिया ईअं रोड बिल्कुलु लॻो। टायर रोड जे हेठां लही विया, हा सॼा आसिरो ई न हो न बीठे ताईं गाॾी हली वई। रोड सही न ठहियल आहे? हा सही रोड कान हुजे आहे त भई अहिड़ो रोड आहे त कहिड़ी ख़बर आहे। असां त पोइ न करे थोरो पोइ न करण सां इहो ई कमु थिए। गाॾी पी आई रोड ते, रोड अहिड़ो ठहियल आहे जेको साइकिल पीथे में गाॾी किरी पई आहे हेठि, हेठो मथो कारपेट थियल आहे रोड जे माना को डांबर पकाई न आहे, वरी बीठी आहे गाॾी कार जे मथां किरी पई आहे। हेठां मिटी भराई वग़ैरह न कई अथव? न भराई कुझु बि न आहे, तव्हां पाण ॾिसो त पई आहे न, ॾिसो साम्हूं ई पई आहे। बरसाति खां पोइ रोड ठहियो आहे? बरसाति खां पोइ रोड ठहियो त रोड अहिड़ो ठहियो आहे न, जहिड़ो जहिड़ो हाल ई न आहे रोड जो। हिते माण्हू अचनि वञनि था, हिते साइकिल अलाह ब्रह्म कयो माण्हू बची आहे, मतिलबु कार जे मथां किरी, हिकु माण्हू जे मथां किरे त पोइ त हे त हुकूमत चूंडियल नुमाइंदनि खे छा चवंदो? चूंडियल नुमाइंदनि खे इहा त चवां थो बाबा हाणे जेको रोड जेको ठाहियो अथव अॼु ॾिसो तव्हां इहा हालत आहे रोड जी, जेको ठाहियो अथव जेको अञा को साल बि न थिया आहिनि, अञा हाणे ठाहियो आहे। ये अभी रोड बना था चंद दिन पहले बरसात के बाद, तकरीबन 1-1.5 महीना भी हुआ है इस रोड को बने हुए, और हाल देख लें क्या हाल हो रहा है। आवाम का पैसा भी ज़ाया हो रहा है और बस सिंध गवर्नमेंट वाले सलाम सिंध गवर्नमेंट को, क्या हुकूमत को क्या बोलेंगे? सलाम कहेंगे और क्या कहेंगे। इस
हादसे की सूरत यही है कि ये जो ट्रक था मेन होल, ये इसके अंदर चला गया, उसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, सरिये सारे गले हुए हैं और सखर के सारे गटर और रोडों की हालत तकरीबन ऐसे ही है। ये तो अल्लाह पाक ने फजल किया, खैर की, जो इंसानी जान ज़ाया नहीं हुई। ये बल्दिया की ना अहली है और जितने भी वजीर हैं, जो भी हैं, मकसद है कि काम को देखने वाले, काम करवाने वाले, वो इस पर ख़ास तवज्जा दें। सखर मेन सिटी है और ये मेन रोड है, सखर का मारूफ तरीन रोड है, मिल्ट्री रोड है, क्वींस रोड हो गया, मिल्ट्री रोड हो गया। अब ये जो हादसा हुआ है, ये बहुत बुरा हादसा हुआ है। मेन रोड बंद है लेकिन अभी तक हुकूमत के कोई कारिंदे यहाँ पर नहीं पहुँचे इमदादी हेल्प के लिए, या मकसद है कि रोड को साफ़ करने के लिए, साइड करने के लिए ना कोई क्रेन पहुँची है। इंसान को इस दुनिया से जाना है ना एक दिन, हम मरने के लिए आएँ। अब जो हुकूमत के कारिंदे हैं उन पर ये फ़र्ज़ बनता है कि आवाम की निगरानी करें, रोड रस्तों की निगरानी करें। पहले वैसे ही हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कितना पीछे हो चुका है सैलाब की वजह से, तो खुदा रहा यही अर्ज़ है हम सब का कि हमारे सखर शहर को बेहतरीन कर दिया जाए और इस पर पूरी पूरी तवज्जा दी जाए बराए करम। सखर जी तारीफ कंदे, सखर जे तरक्याती कमन जी तारीफ कंदे ना ही थकबा, पर असल हकीकत जगह आहे वो आवाम जे सामू आहे। रेसकोर्स रोड मिल्ट्री रोड जे जके रेती धाम यानी बजरी धाम भरल जके ट्रक हुआ वे जमीन हेठ लही वन सबब नुकसान थो है, रोड जो नुकसान थो है, ट्रैफिक जाम थे न गड ट्रक किरण सबब एक कार मुकम्मल तौर से तबाह थी है। सखर जे शहर जो भी गालू थी तुम जिन जो चवण आए तो रात के पेट में जी कारपेट रोड तामीर क्या वजन था पा उन मयार जो को भी ख्याल न तो रखो वे मुख्तलिफ हंधन जो तबाहल रोड उन तामीर के लिए इंतजामिया पारा सखर के चूंडियल नुमाइंदन पारा दवाऊँ तो कई हुई हैं पर इन वक्त ती अमली तौर से कदम ना क्या वह तेरे सखर के रहवासिन पारा चूंडियल नुमाइंदन नहीं सिंध के वे वजीर का मुतालबो किया है तो जो सखर जहा चंद रोड उनकी मयारी तामीर कराई वे तो जी इलाके वासन में पैदा थे बेचैनी खत्म थी सके। कैमरामैन सज्जाद संजरन नगर, फारूक सुमरो, टाइम न्यूज़, सखर।